नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। फिल्म गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने प्रियंका चोपड़ा के करियर पर बात की है। प्रियंका ने उनकी फिल्म द हीरो लव स्टोरी ऑफ ए स्पाई में काम किया था। 2003 में रिलीज हुई ये फिल्म प्रियंका की पहली बॉलीवुड फिल्म थी। अनिल शर्मा ने एक इंटरव्यू में बताया कि प्रियंका फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने की कगार पे थी, क्योंकि उस दौरान उन्हें कई फिल्मों से निकाला जा चुका था। इसकी वजह प्रियंका चोपड़ा की प्लास्टिक सर्जरी थी। दरअसल इस फिल्म की रिलीज से पहले प्रियंका ने अपनी नाक की सर्जरी करवा ली थी, जिससे उनका करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो सकता था। अनिल शर्मा ने बताया कि प्रियंका के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। वो बेहतरीन दिखती थी, मैं उन्हें फिल्म में साइन कर चुका था। मेरी वाइफ ने खुद एक मंदिर के बाहर उन्हें साइनिंग अमाउंट दिया था। फिर मैं फिल्म गदर की रिलीज के बाद अमेरिका और यूरोप चला गया। जब 2 महीने बाद वापस लौटा तो देखा कि प्रियंका ने अपनी नाक की सर्जरी करवा ली है, क्योंकि वो जूलिया रॉबर्ट्स की तरह दिखना चाहती थी। मैंने अखबारों में यही पढ़ा। मैंने मन ही मन सोचा कि प्रियंका को ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी, वो तो ऐसे ही सुंदर दिखती थी। अनिल शर्मा ने बताया कि कुछ दिनों बाद एक प्रोड्यूसर ने मुझे प्रियंका की सर्जरी के बाद वाली फ़ोटो दिखाई। मैं बिल्कुल नहीं पहचान पाया। उससे पूछा ये कौन सी हीरोइन है। उसने बताया प्रियंका। मैं दंग रह गया। उनका चेहरा एकदम काला पड़ चुका था। मैंने सोचा प्रियंका ने अपने साथ ये क्या किया। अगले दिन मैंने प्रियंका को मिलने बुलाया। वो अपनी मम्मी के साथ मुझसे मिलने आई। प्रियंका और उनकी माँ रो रही थी। उन्होंने मुझे ऑपरेशन के बारे में बताया, जिससे प्रियंका की नाक पर निशान पड़ गया था। वो निशान आज भी है। प्रियंका ने बताया कि उन्हें ठीक होने में कुछ महीने लगेंगे, जिसकी वजह से उन्हें कई प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।